ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग देख रहा हूँ, उस पर दिखाई दे रहा है। लेट लदीज परेशान हो रखे थे इसको कैसे चुप करें। अब गाड़ी चल रही है मुझे और बहुत मजा आ रहा है गाड़ी चलने में, क्योंकि रोड इतने स्मूथ है, कहीं पे कोई बंप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, स्पीड मेंटेन करके तक 100 पे चल रही है मेरी गाड़ी और पता भी नहीं। इतनी सफाई, लोग इतने डिसिप्लिन में गाड़ियां चला रहे हैं, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, इट्स सो स्मूथ। जैसे इंडिया में तो अपना राइट साइड में ट्रैवलिंग होती है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टे है। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे थोड़ा 4-5 किलोमीटर चलाते हो कि यार समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्योंकि लेन डिफरेंट है, यहाँ पे राइट लेन में गाड़ियाँ चलती हैं। अब इंडिया में दिमाग में सेट हो रखा है कि तुम तो लेफ्ट है ना, लेफ्ट फ्री होता है तुम्हारा निकाल लो, बट यहाँ पे राइट वाला फंडा है, लेफ्ट की साइड को इंटर लॉकिंग की तरफ। बाकी ड्राइविंग बड़ी स्मूथ है और यहाँ पे ओवरटेक ना लोग लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट है ना। गाड़ी की ड्राइव का मुझे जो मजा आ रहा है, कोई चीज वेट नहीं कर सकती। गाड़ी की पार्किंग की है, ये होंडा जैज जो कि हमने रेंट कर रखी है 5 दिन के लिए। पार्किंग ओपन पार्किंग है और लेकिन फ्री नहीं है, 4 घंटे के 2 यूरो के अराउंड है। यहाँ पे अभी इतने एक्सपेंसिव नहीं लगे हम लोगों को। फ्री पार्किंग स्पॉट्स भी हैं इधर उधर, बट वो फिगर आउट करना, सर्च करना एंड देन स्पॉट पे लगा कर फिर यहाँ पे आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉक करके आना पड़ेगा। और साथ में ये ट्रेन स्टेशन है, तो अंदर जाके हम इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि विद द किड तो क्या क्या एक्टिविटीज वी कैन डू, उस बेसिस पे फिर विल डिसाइड एंड देन गो टू अ प्लेस। थोड़े ग्लासेस लगा लिए जाए। अब बरीनाबाद ये छुपे तो है इंटरलाकिन ऑस्ट पे, यहाँ से हम लोग जाएंगे लॉटेब्रुनर एंड देन वहाँ से केबल कार लेंगे क्रुटशल्प तक, वहाँ से हमारा ट्रैक है टिल म्यूरिन, म्यूरिन से वापस इंटरलाकिन ऑस्ट तक हमने ले रखी है ट्रेन की टिकट, सो विल कम बैक बाय ट्रेन। पहला स्टॉप है, दूसरा स्टॉप है एंड दिस इज लास्ट स्टॉप। लॉटेब्रुनर पे हम लोग गाड़ी से भी जा सकते हैं, बट द प्रॉब्लम है पार्किंग नहीं मिलती इस पॉइंट पे, और अभी 12:01 बज गए तो पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। स्वागत है आपका तो दोस्तों लॉटेब्रुनर स्विट्जरलैंड में। अगर आप आते हो तो यू कैन रेंट आउट दी स्कूटर, हम स्कूटर नहीं ले सकते क्योंकि नोवा साथ में है। You guys are here, स्कूटर चलाना आता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप स्कूटर लीजिए और बस इन वादियों का लुत्फ उठाइए। और वहाँ पे अगर वो देख रहे होगे तो वहाँ पे एक वाटरफॉल भी दिखाई दे रहा है एंड वाटरफॉल इज लुकिंग सुपर नाइस। सो अभी हमारे पास टिकटें हैं और यहाँ से केबल कार फिर ऊपर जाएंगे हम क्रुटशल्प, बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना, एंड देन फिर विल वॉक टिल म्यूरिन। पूरी फुल्ली पैक्ड है, ये देखो ये केबल कार है जो देख के अभी हम ऊपर आए हैं एंड यहाँ से वो ट्रेन भी जा रही है उधर, वो देखी होगी वो म्यूरिन की तरफ जाइए, लेकिन हमने सोचा कि हम ट्रेन ना लेके वॉक करेंगे और अपना वॉकिंग का ट्रैक करके म्यूरिन चलेंगे। ये केबल कार स्टेशन है, नीचे से हम आए थे, हमने तो समर हाइकिंग पाथ्स हैं वो येलो वाले हैं और विंटर वाले वायलेट कलर से हैं। कौन सा गेट बंद है? तो लोग कैसे गए हैं फिर? देखा आपने ये गेट बंद है, गेट को खोलना बहुत इजी है। ये इन्होंने का मतलब ये है कि भैया गेट को बंद रखो आप, लोगों को पता नहीं है ना यार, ये इन्होंने बना रखा कि तुम बाय डिफॉल्ट इसको बंद रखो। तो शुरुआत हो गई है हमारे ट्रैक की और जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं अभी?
मेरन जा रहे हैं और 1.25 घंटे इन्होंने लिखा हुआ है, तो लोगों को 1.25 घंटे लग रहे हैं, हमें मे भी ज़्यादा लग रहे हैं। बीच में चलते चलते वो देखो उधर हमारी गाय माता, उनके गले में इन्होंने घंटी बांध रखी है, यहाँ तक आवाज आ रही टन 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 टन। बस खुश बिल्कुल नहीं मान रहा है, मम्मा चाहिए, ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग देख रहा हूँ पीछे। रेडबुल भी है कि आप लोगों को पता ही है, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, पर उठना नहीं है हमको, चलना है। ये ट्रेन जा रही है नीचे से, ये डायरेक्ट जाएगी म्यूरन। पैराग्लाइडिंग भी हो रही है वो वहाँ पे, बोल इस पार्ट में शायद इस टाइम फार्मिंग कर रखी है। ये नेक्स्ट अपने स्टॉप पे जहाँ तक चल पाएंगे फिर रुकेंगे। रास्ता इन्होंने बहुत सही बना रखा है, ऐसे पत्थर वत्थर भी डाल रखे हैं, सो ट्रैक करना तो बहुत ईजी है और व्यू के साथ आनंद लेते लेते हुए वैसे ही मज़ा आ जाता है। तब से ना आवाज़ें आ रही हैं, ऐसी घंटियाँ बज रही हैं जो बता रहा हूँ स्टार्टिंग से आप लोगों को, और वो इतना अच्छी ऐसे वाइब दे रही है ना, ऐसे टाइम मस्त साइड। तो ट्रेन इज ऑल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन। ये हमारी गाय माता बजू गाड़ी करती आना, जब यह गाड़ी करे तो फिर आवाज़ आ रही है इसको, देखो लेट लतीफ बैंड बज गई भाई, चढ़ाते चढ़ाते स्टूलर को ना खींचते खींचते सांसें फूल आई हैं। देखो कितनी सारी गायें हैं, ये तो गुस्से में देख रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्से में है ये वाली। देखो मना कर रही है कि मेरी फ़ोटो मत लो, जा रहा हूँ मैं तो, बाय बाय। Let's go now. Let's go, बेटा.